नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर आप दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 30 प्रश्न सही करके जाइएगा, वरना आप अपना टाइम पास कर रहे हैं और अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी लग चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल है राकस झील, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं राकस ताल। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मछलियों का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो मछलियों का अध्ययन कहलाता है इक्टियोलॉजी, कौन सा? इक्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन था? तो कौन था बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर? तो ये था चंदहुदड़ो, कौन सा था? चंदहुदड़ो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है माई मास्टर पुस्तक के लेखक? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद, कौन से हैं? स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था पुलवामा में आतंकी हमला? तो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था 2019 में, कब? 2019 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो किस वर्ष किया था ईस्ट इंडिया ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण? तो ये अधिग्रहण किया था 1765 में, कब? 1765 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो किसने की थी सांची स्तूप की खोज? तो इसकी सांची स्तूप की खोज की थी सर हेनरी टेलर ने, किसने? सर हेनरी टेलर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बारदोली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था बारदोली में किसान आंदोलन? तो ये शुरू हुआ था 1928 में, कब? 1928 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 26, कौन सा? अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो ये शुरू की गई थी 2015 में, कब? 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिपारा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है पिपारा वन्यजीव अभयारण्य? तो ये स्थित है केरल राज्य में, किस राज्य में?
केरल में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बी अलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो किस राज्य में स्थित है कार्बी अलोंग पहाड़ियाँ? तो ये स्थित है असम राज्य में। कौन से राज्य में? असम में कार्बी अलोंग की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस? तो ये मनाया जाता है 25 मई को। कब मनाया जाता है? 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है चंबल, ये आपको बताना है। तो चंबल सहायक नदी है यमुना की। किसकी है? यमुना की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो कौन सा है भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद? तो ये है उपराष्ट्रपति का पद। किसका? उपराष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है भारतमाला परियोजना? तो ये संबंधित है राजमार्ग से। किससे? राजमार्ग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1875 में। कब? 1875 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है तीर्थंकर शब्द? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, ये आपको बताना है। तो ये सहायक नदी है कृष्णा की। किसकी है? कृष्णा की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो किस वर्ष घोषित किया गया था हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल सूची में? तो ये किया गया था 1986 में। कब? 1986। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? तो किसकी एक किस्म है तोरा मीरा? तो ये एक किस्म है तिलहन की। किसकी है? तिलहन की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि काली बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काली बांध अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य। किस में? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हाजी अली दरगाह? तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो ये शुरू की गई थी 2014 में। कब? 2014 में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज का भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है ब्रज भूमि के रूप में? तो ये जाना जाता है भूटान को। किसे? भूटान को। ऑप्शन नंबर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वज्रभूमि है ब्रज नहीं, वज्रभूमि। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष बना था हिमाचल प्रदेश राज्य? तो इसका गठन हुआ था 1971 में। कब? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल मांदा किस नदी के तट पर स्थित था? तो किस नदी के तट पर स्थल था मांदा? तो ये स्थित था चिनाब नदी के तट पर। किसके तट पर? चिनाब नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 के अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो बताइएगा अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है अनुव्रत शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था, तो क्या था रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम, तो इसका नाम था परुषणी। कौन सा? परुषणी, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। कब? 1891 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, तो किस राज्य का राजकीय वृक्ष है चंदन, तो ये है कर्नाटक राज्य का। किसका? कर्नाटक राज्य का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किससे संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं भवानी देवी, तो ये संबंधित हैं तलवारबाजी से। किससे? तलवारबाजी से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो किस नदी किनारे स्थित है कोल्हापुर शहर, तो ये स्थित है पंचगंगा नदी किनारे। किसके? पंचगंगा नदी किनारे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उगादि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है उगादि, तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य का। किसका है? आंध्र प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है उगादि, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो कौन है एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो क्या था तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम था पंपा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है सूर्यधार झील, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक, तो ये माना जाता है जॉन डाल्टन को। किसे? जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, तो कौन से शिलालेख में मिलता है अशोक के बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख, तो ये मिलता है भाब्रू शिलालेख में। किस में? भाब्रू शिलालेख में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।